मेरा नाम मोहम्मद शाह है, ये सरहद मिनरल से ग्राइंडर आपके सामने मुखातिब है। आज हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पेंट इंडस्ट्रीज में, पीवीसी पाइप्स में, सर्फ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, या पेपर वगैरह में, या केमिकल्स में, कॉस्मेटिक्स वगैरह में, तो कैसे ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये आप देख रहे हो कि कैल्शियम स्टोन है, रॉ मटीरियल, ये हमारे पास आता है के इलाके मोहम्मद से, ठीक है। जितना भी हमारे पास कैल्शियम स्टोन है, कैल्शियम कैसे बनता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये आप सामने जो देख रहे हैं वीडियो में जो आपको नजर आ रहा है, ये है कैल्शियम स्टोन रॉ मटीरियल, ठीक है। रॉ मटीरियल हमारे पास आता है के इलाके मोहम्मद से, ज्यादा सुपर वाइट मार्बल ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा हुंडी के इलाके से भी आते हैं, स्वाबी के इलाके से भी आते हैं, मरदान के इलाके से, लेकिन जो व्हाइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है वो है मोहम्मद का इलाका, ठीक है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि ये रॉ फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, इसको हम ग्राइंड करते हैं जॉ क्रशर, ये सामने हमारा जॉ क्रशर, ठीक है। ये स्टोन है, इस फॉर्म में आता है, इसको हम फिर आगे ग्राइंड करते हैं जॉ क्रशर में। आज हम आपको दिखाते हैं कितना हम इसको ग्राइंड करते हैं जॉ क्रशर में। ये हमारा रॉ मटेरियल है कैल्शियम स्टोन का, ये रॉ मटेरियल हम जा क्रशर के थ्रू, ये हमारा जा क्रशर लगा हुआ है, इस जा क्रशर के थ्रू हम इसको मजीद ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं। तो जिस फॉर्म में हम इसको ले आते हैं जा क्रशर के थ्रू, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो हमारे पास क्रश फॉर्म में पड़ा हुआ है, जरा सैंपल के तौर पर दिखाए, ये इस फॉर्म में हम इसको ले आते हैं, ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, ये आप देख रहे हो इस फॉर्म में जा क्रशर से हम इसको क्रश कर लेते हैं। जा क्रशर से क्रश करने के बाद ये हमारे पास कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, ये आपका बकेट एलिवेटर लगा हुआ है, इसमें बकेट्स लगे हुए हैं, ये ऊपर हाइट तक ये जा रही है, जा क्रशर से यहाँ पे ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये लगा हुआ है जा क्रशर से आके बकेट एलिवेटर में, ये ऊपर चला जाता है स्टोरेज साइलोज में, स्टोरेज साइलोज की तरफ हम आपको ले जाते हैं। आगे हमारे लगे हुए स्टोरेज साइलोज, आ जाए हम आपको दिखाते हैं स्टोरेज साइलोज। क्रशर से क्रश करने के बाद हमारे पास जो बकेट एलिवेटर के थ्रू आता है क्रश मटेरियल, वो स्टोरेज साइलोज में जमा हो जाता है। स्टोरेज साइलोज की जो हमारी कैपेसिटी है, ये दो स्टोरेज साइलोज हमारे लगे हुए हैं, 1 2, इन दोनों की कैपेसिटी हमारी है 75 टन से लेकर 80 टन, 75 टन से 80 टन तक इसकी कैपेसिटी है। इसमें क्रश मटेरियल सारा जमा हो जाता है, ठीक है। जमा होने के बाद ये हमारे पास ये लगे हुए है, ये कन्वेयर बेल्ट से, ये जो आप मोटर देख रहे हो, ये मोटर लगा हुआ है कन्वेयर बेल्ट के, तो वो स्टोरेज साइलोज से मटेरियल आता है यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, ये ग्राइंडिंग मिल, ये हमारा मेन ग्राइंडिंग मिल है। जहाँ क्रशर वो क्रश करता है स्टोरेज साइलोज में, फिर उसको मजीद हम ग्राइंडिंग मिल में क्रश करते हैं, बल्कि पाउडर फार्म में कन्वर्ट करते हैं, और पाउडर फार्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं वो मिश हमारे पास है 300 मिश से लेकर 3000 मिश तक। तो मिश साइज को हम कैसे चेंज करते हैं, ये ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर दिखाई ये जो मोटर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लासीफायर। तो इसकी क्लासीफायर की हम फ्रीक्वेंसी वगैरह या स्पीड वगैरह चेंज करते हैं मिश के हिसाब से, तो जितना मिश हमें चाहिए होते हैं उसी हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। अच्छा, ग्राइंडिंग मिल में जब हमारे पास ये ग्राइंड होता है 300 मिश से लेकर 3000 मिश तक, इसमें हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। सपोज अगर हमें चाहिए 400 मिश, तो क्लासीफायर को फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर लेते हैं 400 मिश के हिसाब से, ठीक है। तो ये आता है ग्राइंडिंग मिल से, क्लासीफायर के थ्रू आ जाता है हमारे पास स्टोरेज पाउडर साइज। तो ये आप देख रहे हो, आप दिखा सकते हैं पूरा पाउडर साइज, यहाँ पे आने के बाद सारा जो हमारे पास पाउडर होता है इसमें जमा होता है। इसमें जमा होने के बाद ये हमारा लगा हुआ स्क्रूर लगा हुआ है या स्क्रू कन्वेयर लगा हुआ है। स्क्रू कन्वेयर से आप देख सकते हैं जितना भी हमारा इसमें पाउडर जमा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आउटलेट लगा हुआ है, इस आउटलेट के साथ हम बैग्स लगाते हैं, बैग्स की फिलिंग करते हैं। ये सारी बैग्स आपको दिखाएं, ये जितनी भी हमारे पास ये पड़े हुए हैं, ये हमारे पास 300 मिनट से लेकर 3000 मिनट तक ये सारा अवेलेबल है, ये हमारा स्टॉक है, स्टॉक एरिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कंट्रोल पैनल लगा होता है, वो कंट्रोल पैनल ऑपरेटर उसको करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है, पूरी इस प्लांट को कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, जो मेन डिफरेंस है केमिकली टैल्कम पाउडर में और कैल्शियम पाउडर में, वो ये है कि कैल्शियम पाउडर बेसिकली होता है फिजिकली केमिकली, जो केमिकल फार्मूला है वो है कैल्शियम कार्बोनेट C
HCACO3 जो टेलकम पाउडर है उसको केमिकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको, या मिनरल की लैंग्वेज में उसको सोपस्टोन पाउडर भी बोलते हैं। सोपस्टोन पाउडर या टेलकम पाउडर दोनों एक ही चीज़ है, और इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम सिलिकेट। लेकिन हमारे आम जो मार्केट है उसमें, लोकल मार्केट में, खासकर पाकिस्तान में, लोग टेलकम पाउडर और सोपस्टोन पाउडर को डिफरेंट समझते हैं, खासकर ज़्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता। तो इन वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ये है कि जो सोपस्टोन पाउडर है, कैल्शियम पाउडर को ही, अगर कैल्शियम पाउडर की वाइटनेस कम हो तो लोकल मार्केट में लोग उसको सोपस्टोन बोलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सोपस्टोन पाउडर और टेलकम पाउडर दोनों एक ही चीज़ है, और टेलकम पाउडर में ये एक क्वालिटी है कि उसकी ये बहुत लेसदार होता है, ठीक है, और ये स्लिपरी होता है बहुत ज़्यादा। जब आप इसको दोनों उंगलियों के दरमियान आप इसको ऐसे करेंगे, एक दूसरे के साथ रगड़ करेंगे, तो ये इंतहाई स्लिपरी होता है। एक और जो मेन डिफरेंस है टेलकम पाउडर में और कैल्शियम पाउडर में, वो भी मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट लेके दिखाता हूँ कि आप जब टेलकम पाउडर एक गिलास में, शीशे के गिलास में पानी लेंगे और उसके ऊपर अगर आप टेलकम पाउडर आप डालेंगे तो वो पानी में के ऊपर ही तैरता रहेगा, वो पानी में नहीं डूबेगा अगर प्योर टेलकम है। अगर प्योर टेलकम नहीं है तो वो ये है कि जो नॉन इम्प्योरिटीज़ है, जो इम्प्योरिटीज़ है उसके अंदर, ठीक है, नॉन प्योर जो चीज़ें हैं वो पानी में बैठ जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम का ये है कि कैल्शियम ये बहुत भारी होता है, इसको अगर हम कैल्शियम पाउडर को अगर उसमें डालेंगे गिलास में, शीशे के गिलास में अगर पानी है और पानी के ऊपर डालेंगे तो ये पानी में बैठ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, ये जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया टेलकम पाउडर और कैल्शियम पाउडर में, ये एक्सपेरिमेंट्स में आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने शीशे के दो ग्लास ले लिए, इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, इसको मैंने इतना फिल किया, दूसरे ग्लास में मैंने पानी डाल दिया। अभी ये गिलास है, इसमें मैं डालता हूँ टेलकम, ये टेलकम मैं इसमें डालता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने डाल दिया टेलकम, आप देख रहे हो मजीद मैंने डाल दिया, नीचे नहीं बैठ रहा, ये बहुत टाइम लेगा, जितना ये प्योर होगा ये पानी में नहीं बैठेगा, ये आपको नजर आ रहा है। अभी इस दूसरे गिलास में मैं कैल्शियम डालता हूँ, ये देख रहे हो मैं कैल्शियम उठा रहा हूँ, जो भी मैं उठाऊंगा, सपोज ये मैं डालता हूँ 3000 mesh, हालांकि 3000 mesh पार्टिकल साइज, ये तकरीबन 4-5 micron इसका पार्टिकल साइज होता है। अभी ये देख लो सारा का सारा बैठ गया। एक और अगर इसमें मैं डाल देता हूँ, अब देख लें ये प्रेसिपिटेशन बन गया, इसमें कैल्शियम पूरा का पूरा बैठ गया, आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा है, और जो टेलकम है वो अभी तक सरफेस के ऊपर तैर रहे हैं और अभी तक बैठा नहीं है। पहले वीडियो में मैंने आपको कैल्शियम टेलकम पाउडर के ग्राइंडिंग के हवाले से बताया था कि उसकी ग्राइंडिंग कैसी होती है और क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेलकम पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर, सोपस्टोन पाउडर, डोलोमाइट पाउडर, और व्हाट इज़ मेश साइज, मेश साइज़ क्या है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा 400 मेश कैल्शियम, ठीक है, 600 मेश, 1000 मेश, 1500 मेश, 2000 मेश और 3000 मेश के सैंपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आप देख रहे हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पड़ा हुआ है ये है टेलकम पाउडर और ये है कैल्शियम पाउडर। विजुअली अगर इन दोनों में देखें डिफरेंस कोई नहीं है, ठीक है। इनमें असल डिफरेंस क्या है, अगर इसको हम देखें तो ये इंतहाई स्लिपरी है, ठीक है, इसको अगर बार बार भी आप मलेंगे दो उंगलियों के दरमियान तो आपको सोप जैसा, साबुन जैसा ये स्लिपरी महसूस होगा, ठीक है, ये देखो। और अगर इसको हम मलेंगे, ठीक है, तो ये जितना भी बारीक हो, ख्वा वो 400 मेश हो या 3000 मेश हो, लेकिन जो इसकी वो है लेस, ये उतना लेसदार नहीं होता टेलकम की तरह या इतना स्लिपरी नहीं होता। और इसके अलावा इसकी डेंसिटी इंतहाई कम होती है वाटर में, पानी में ये नहीं डूबता, ठीक है, और ये पानी में जल्दी डूब जाता है। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट मेश साइज़ के बारे में बताऊंगा कि मेश साइज़ क्या होता है, मेश क्या होता है बेसिकली। मेश बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं आपके पाउडर के, उसका पार्टिकल का साइज़ होता है,
मेश साइज वैल्यू या मेश साइज जितना बड़ा होगा उतना वो पार्टिकल साइज छोटा होगा। सपोज अगर कोई कहता है कि 300 मेश का पाउडर है या 300 मेश का पार्टिकल साइज है, ठीक है, और एक दूसरा पाउडर है उसका मेश साइज है 1000 मेश, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 1000 मेश का पार्टिकल साइज है वो 300 मेश से कम है। 300 मेश का जो पार्टिकल साइज होगा वो माइक्रोन में, अगर हम माइक्रोन में मिलीमीटर में, ठीक है, माइक्रो मिलीमीटर में अगर हम उसको मेजर करना चाहें तो 300 मेश साइज बनता है माइक्रोन में तकरीबन कोई 40 से 45 माइक्रोन में, ठीक है। इसी तरह 1000 मेश का अगर आप देखें वो तकरीबन माइक्रोन में आएगा 25 माइक्रोन, ठीक है। इसी तरह 3000 मेश का अगर आप देखें या 4000 मेश का वो तकरीबन 4-5 माइक्रोन में आ जाता है, यानी बिल्कुल जीरो साइज की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेश साइज क्या है, मेश साइज बेसिकली आपका है पार्टिकल साइज। तो मेश साइज जितना बड़ा होगा पार्टिकल साइज इतना छोटा होगा। अगर 300 मेश है तो वो पार्टिकल साइज 400 मेश पार्टिकल साइज से वो 300 मेश वाला पार्टिकल साइज बड़ा होगा। ये बेसिकली यही डिफरेंस है। ये आप देख रहे हो जो आपको नजर आ रहे हैं सैंपल्स, ये वाला जैसे 300 मेश कैल्शियम, 400 मेश, 600 मेश, 800 मेश, 1000 मेश, 1500 मेश, 2000 मेश, 3000 मेश। इसमें अगर देखा जाए तो विजुअली आपको अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इसकी वाइटनेस तो चलो कुछ ना कुछ एक दो का डिफरेंस होता है वाइटनेस में। सबसे जो कम इसकी वो वाइटनेस होती है वो 300 मेश की होती है। जैसे जैसे हम मेश साइज इंक्रीज करते हैं कैल्शियम के लिए वाइटनेस भी इसकी बढ़ जाती है। दूसरी बात, जो कैल्शियम है वो बेसिकली मार्बल पाउडर ही होता है। इसको लोकल मार्केट में कुछ लोग मार्बल पाउडर बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैल्शियम पाउडर बोलते हैं, कुछ लोग इसको चाक पाउडर बोलते हैं। इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है कैल्शियम पाउडर का पेंट इंडस्ट्री में, पीवीसी पाइप्स में, पेपर इंडस्ट्रीज में, केबल्स में, टायर इंडस्ट्री में। जो टायर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं उसकी वाइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जैसे जिस तरह मार्बल के डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, सुपर वाइट मार्बल होता है, इसके अलावा ग्रे मार्बल होते हैं, सनी ग्रे होता है, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो है सुपर वाइट मार्बल। तो आप ये देख रहे हो, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसकी वाइटनेस, ये 400 मेश में आपको दिखा रहा हूँ, 600 मेश इसकी वाइटनेस इंतहाई ज़्यादा है, सबकी किसी की भी वाइटनेस कम नहीं है। ये 1000 मेश की फिर उससे भी ज़्यादा है। जो 400 मेश की वाइटनेस हमारे पास जो अवेलेबल है इसकी वाइटनेस होती है 92 से 95% तक। फिर उसके बाद जो 600 मेश है उसकी वाइटनेस होती है 94 से 96% तक। 800 मेश तकरीबन फिर आ जाती है 96 से अबव। फिर जो 1000 मेश है, 1000 से लेकर 3000 मेश तक, उसकी वाइटनेस 98 से 100% तक आती है। रहीम, इस वीडियो में मैं आपको टेलकम पाउडर, डोलोमाइट पाउडर, ब्राउन सोपस्टोन या ब्राउन टेलकम पाउडर, वाइट टेलकम पाउडर के इस्तेमाल के हवाले से आपको बताऊंगा। जो कैल्शियम पाउडर है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल है, जैसे डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, ठीक है, इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, वाइट सीमेंट में, ठीक है, इसके अलावा आपके पाइप इंडस्ट्रीज में, पीवीसी पाइप्स में, टायर इंडस्ट्रीज में। जो टेलकम है आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में कैल्शियम भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें अभी इस हवाले से हमें इतनी इंफॉर्मेशन है जो हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, हमें बाज़ अवकात पता होता है कि क्लाइंट या जो हमारा कस्टमर है वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। अभी ये जो आपको सैंपल्स नज़र आ रहे हैं ये है टेलकम पाउडर, सोपस्टोन पाउडर। इसमें ये जो ब्राउन वाला है ये भी टेलकम पाउडर है, ठीक है, ये भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोहम्मद में ये टेलकम अवेलेबल होता है, वहाँ के पहाड़ों में ये मिनरल पाया जाता है। ये देख रहे हो ये अफगानिस्तान से आता है, सुपर वाइट, ये बिल्कुल आपके फार्मा ग्रेड में, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में या इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, ये सुप्रीम वाइट ग्रेड ए। इसके अलावा इसके साथ जो दूसरे वाला पड़ा हुआ है टेलकम, इसको हम ग्रेड सी बोलते हैं, ये इसकी वाइटनेस कम है, ठीक है, और ये भी इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट्स वगैरह में, डिश वॉश बार में या पेस्ट वगैरह में इसका इस्तेमाल है। अच्छा, जो डोलोमाइट पाउडर है वो मेनली उसका यूज़ है ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरी बात, डोलोमाइट की हार्डनेस ज़्यादा होती है,
और ये इसका जो मैश साइज है वो भी कितना ज़्यादा नहीं होता, 100 से या 120 से इसका मैश साइज हाई नहीं होता, ठीक है, और इतनी हार्डनेस ज़्यादा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैल्शियम और टेलकम के हवाले से एक बात नोट करना ज़रूरी है कि जो टेलकम है वो मोस्टली यूज़ होता है ब्यूटी सॉप्स के लिए और टाल्क पाउडर के लिए और कॉस्मेटिक्स के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होती है स्किन केयर के लिए, तो स्किन आपको पता है बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, और जो इम्प्योर टेलकम पाउडर होता है उसमें एस्बेस्टास होता है और क्वार्ट्ज होता है जो कि स्किन के लिए इंतहाई ख़तरनाक और नुकसानदेह है, तो इसका इस्तेमाल जो ऐसा टेलकम पाउडर हो जिसमें ये इम्प्योरिटीज मौजूद हो तो ये इंतहाई बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है, तो हमेशा कोशिश करें वो टेलकम इस्तेमाल करें जो हम इस जो कि बिल्कुल प्योर हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टेलकम फूड में भी इस्तेमाल होता है, फार्म में भी इस्तेमाल होता है, तो ये है कि ये बिल्कुल प्योर होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ब्यूटी सॉस में कुछ लोग कैल्शियम भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और टेलकम भी यूज़ करते हैं। टेलकम ये है कि ये भारी होता है और इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, जब आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा मकदार में ब्यूटी सॉप्स में या कॉस्मेटिक्स में, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्यूटी सॉप है, साबुन है, वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, और क्रैक्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और टेलकम का ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, लेसदार होता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो साबुन की क्वालिटी इंतहाई बेहतरीन आएगी, बिल्कुल सूपी आएगा ये और लेसदार आएगा, लेकिन ये है कि ये बहुत तो इससे साबुन आपका बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, ठीक है, वो फैल जाता है, तो ये इन दोनों का जो इस्तेमाल है वो एक ख़ास मकदार में करना बहुत ज़रूरी है। तो टेलकम के हवाले से ये चीज़ नोट करें कि ये बिल्कुल प्योर होना चाहिए। इसमें ये है कि दो किस्म का टेलकम लोग ग्राइंड करते हैं, एक प्योर डला फॉर्म में होता है, स्टोन फॉर्म में, एक चूरा फॉर्म में होता है, ठीक है, मिट्टी की शक्ल में, बिल्कुल जैसी मिट्टी होती है, तो जो ढला फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, उसको भी सीग्रीगेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसमें जो क्वार्ट्ज है वो अलग किया जाता है और जो प्योर टेलकम है वो अलग किया जाता है, तब उसके बाद वो फूड ग्रेड, फार्मा ग्रेड, कॉस्मेटिक ग्रेड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन उस लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते और ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, इस चीज़ का स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आखिर में ये जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अपनी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊं कि हमारे दो ग्राइंडिंग मिल्स हैं, एक है पेशावर में और एक है वहाँ पे मोहम्मद में, चासद्दा में, तो जिसको भी ज़रूरत हो कैल्शियम की, टेलकम की, ब्राउन सॉप स्टोन की, ठीक है, कैल्शियम मार्बल पाउडर, चाक पाउडर, ठीक है, ये सारी इसके डिफरेंट हमारे पास ग्रेड्स अवेलेबल है, इसी तरह टेलकम के डिफरेंट ग्रेड्स अवेलेबल है, फूड ग्रेड के लिए, फार्मा ग्रेड के लिए, कॉस्मेटिक्स ग्रेड्स के लिए, ब्यूटी सॉप्स के लिए, हर एक जितनी जिसकी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास अवेलेबल है, सरहद मिनरल्स एंड ग्राइंडिंग इंडस्ट्री, पेशावर, चारसद्दा। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोहम्मद ज़िया, टेक्निकल मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, 0301593540, 0301 59 35 460, 0301 59 35 460।